गुड मॉर्निंग, मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हमने पिछले दिनों बेचैनी और नींद के ऊपर, पुरसुकून नींद के ऊपर हमने वीडियोस बनाई, उसी को लेके थोड़ा एक्सटेंड करते हुए, वैसे तो बेचैनी के हजार वजूहात हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं काफी कुछ आपको उसके बारे में बता सकूं। एक जो हमारी जिंदगियों में बेचैनी का एक बड़ा सबब होता है वो होता है हमारे मंसूबे, जो हम अपनी जिंदगी से मुतल्लिक बनाते रहते हैं, अपने कारोबार से मुतल्लिक बनाते रहते हैं, अपने खानदान के तल्लक से। मंसूबे बनाना बुरी बात नहीं है, मंसूबे बनाने चाहिए, लेकिन उसकी कितनी फिक्र करनी चाहिए, यहां इतदाल की जरूरत है। जिंदगी हमेशा मंसूबे से गुजरती है, प्लान से गुजरती है। इल प्लान्ड जो है वो एक जंगली जिंदगी होती है। हम बगैर प्लान के जिंदगी नहीं गुजार सकते, चाहे वो रूहानी जिंदगी हो चाहे वो दुनियावी जिंदगी हो, उसका कुछ ना कुछ मंसूबा हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उन मंसूबों को अपनी इस्तात से बढ़ के बनाएंगे, यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपया है और मैं 1,000 या 10,000 का मंसूबा बनाऊं, तो उसके नतीजे में सिवाय मेरे हिस्से में एक बेचैनी आए, बेखाबी आए, मेरी रातों की नींद उड़ जाए और कुछ नहीं होना। अगर हम अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक, और जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हकीकत के करीब रहते हैं। हमें पता होता है हमारे पास वसाइल कितने हैं, हमें ये भी मालूम होता है कि मेरे में इस काम को करने की सलाहियत है या नहीं है। तो उस लिहाज से फिर जब हम मंसूबा बनाते हैं तो उसमें हम कामयाब होने के हमारे काफी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम मंसूबा अपनी इस्तात से बढ़कर बनाते हैं तो फिर नाकामी हमारा हिस्सा होती है और हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी भूख मर जाती है और हालात खराब हो जाते हैं। इसकी अगर हम मिसाल लें बाइबल में से, तो इम्साल की किताब में लिखा है कि इंसान के दिल में मंसूबे तो बहुत हैं, लेकिन इरादा खुदा का ही पूरा होता है। अब खुदा का इरादा कैसे पूरा होता है? जब एक शख्स खुदा से कुछ मांग भी नहीं रहा तो खुदा का इरादा कैसे पूरा हो जाएगा? खुदा का इरादा इसलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि खुदा सब इंसानों का खुदा है। कोई उसको माने, वो उसको ना माने, वो उसका भी खुदा है। और हर शख्स की जिंदगी के लिए खुदा के पास एक मंसूबा है। अगर हम अपनी जिंदगी के मंसूबे को खुदावन से मांगे, उससे पूछे कि खुदावन तूने मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा है, और जो तूने मेरा खानदान मुझे दिया है उसके साथ मैं कैसा बर्ताव करूं, और जो कलाम में लिखा है उसके मुताबिक बर्ताव करूं, तो फिर यकीनन सुख और चैन मुझे हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुदा को छोड़ के अपने मंसूबों पर अमल करते हैं, तो फिर एक उसका मंसूबा है, एक हमारा मंसूबा है, और यकीनन हम नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वो ताकतवर है, हम कमजोर हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो अबदी है और हम फना हो जाएंगे। इस लिहाज से हमारे लिए यही बेहतर है कि हम खुदा से जुड़े रहें, हम हर बात खुदावन से पूछे कि खुदावन क्या करूं। दाऊद बादशाह की जिंदगी में मिलता है कि खुदावन ने उससे कहा कि तू बनी इसराइल के शहरों में जा और रह। उसने कहा खुदावन किस शहर में जाऊं? खुदावन ने कहा हबरून को जा। तो फिर वो हबरून को गया, पिन पॉइंट किया उसने।
उसने ये नहीं किया कि बस खुदावन ने कहा कहीं भी चले जाओ तो चले जाओ, नहीं, उसने पिन पॉइंट किया। आप भी अपने मंसूबों को पिन पॉइंट करें, अपनी सलाहितों को देखें, अपने वसाइल को देखें, और सबसे बढ़कर ये कि खुदावन आपके लिए क्या चाहता है, क्योंकि इरादा उसी का ही पूरा होना है। तो बेहतर है कि हम भटकने की बजाय हम खुदावन के तालिब हों, ताकि उसका इरादा जो हमारे लिए सदा भलाई का इरादा है वो हमारी जिंदगियों में पूरा हो जाए, और ना सिर्फ हम खुशहाल हो जाएंगे बल्कि हम अपने खानदान, अपनी नस्ल की भी भलाई देखेंगे, जैसे इब्राहिम ने देखी। वो खुदा के मंसूबे पर चलता हुआ ऊर से निकल आया, और फिर आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ, सारी स्टोरी आपको पता है। वो भी कामयाब हुआ, उसकी नस्ल भी कामयाब हुई, आज भी वो कामयाब है। हालेलुया जी। सो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ खुदावन से जुड़े रहें, अपना मंसूबा खुदावन के सामने रखें और इंजॉय करें। खुदावन आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहें।